हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइन। यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्लान्स अपडेट करता रहता हूँ होम्स डिजाइन के। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ 40x20 का, 40x20 का, जो कि मेन हाईवे पे वो प्लान लेके आया हूँ। अगर आपका भी कोई मेन रोड पे इस तरीके से प्लाट पड़ा है तो आप भी बनवा सकते हैं, इस तरीके डिजाइन करा सकते हैं। अगर आपका कोई अदर साइज का प्लॉट पड़ा है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ऑफलाइन डिजाइन कर दूँगा। एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे 40x20 का प्लान चाहिए दुकान के साथ, उस पूरा क्राइप उठाना है, ये बोला था मुझसे, तो मैंने उनके लिए डिजाइनिंग की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्लान आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अपनी वेबसाइट की, वहाँ पर जाकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरा आप देख सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ ध्यान से आप पढ़ के सब कुछ समझ सकते हैं। मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है अपनी वेबसाइट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, 3D डिजाइनिंग की ओर। वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखना होगा पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं 40x20 पूरा कंप्लीटेड बना हुआ है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने डिजाइनिंग की है इसकी, आपको भी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके डिजाइनिंग की है। देख सकते हैं पूरा कंप्लीटेड बना हुआ, पूरा क्राई पे बेस्ड है, पूरा क्राई पे बेस्ड है। अगर आप क्राई पे उठाना चाहते हैं तो पूरा इस तरीके से बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके। अब मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, दुकान कितने बाई कितने की है और किस तरीके से बनाई है, सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ ध्यान से। सबसे पहले बात आती है तलघर की, ये आपका तलघर है, इस तरीके से मैंने तलघर बनाया है। रोड से आप आएंगे यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, उसके बाद मैंने इस तरीके से सीढ़ियाँ दी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने सीढ़ियाँ दी हैं। यहाँ पे 3 फीट जगह है, यहाँ पे छोड़ी हुई है और यहाँ से आपका मकान स्टार्ट होता है, बनता है। मैंने एक दुकान 7x20 की दी है, और एक दुकान 7x20 की है, दीवाल को हटा के साइज में बता रहा हूँ, दीवालों को हटा के साइज में बता रहा हूँ, 7x20 के सारी दुकान है। यहाँ पे मैंने ये कार पार्किंग के लिए 8x20 का यहाँ पे स्पेस दिया है, और एक दुकान आपकी यहाँ पे ये वाली 8x20 की है, ये दुकान बड़ी है, ये साथ साथ भी और ये 8x20 की है। यहाँ पे मैंने ये कार पार्किंग के लिए दी है, इसका साइज मैंने बताया आपको 8x20 है, देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तलगर्म पानी आएगा बारिश का तो वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए मैंने एक सुविधा दी है। यहाँ पे तुरंत मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं 9x1 की ये नाली बनाई है, यहाँ पे ये मैंने जाली लगाई है, जाली लगी हुई है, जाली के द्वारा नीचे पानी पहुँचेगा। यहाँ पे मैंने एक गड्ढा खोदा है, यहाँ पे 3x3 का, और हाइट गहराई दी है मैंने 5 फीट, और यहाँ पे मैंने टिल्लू सिस्टम पे एक लगाया है, जिसके द्वारा से गड्ढा जब 2 फीट भर जाएगा तो अपने आप पानी बाहर आने लगेगा, अपने आप पानी बाहर निकलने लगेगा। आप ऊपर से निकालना चाहते हैं यहाँ से तो यहाँ से नाली बना के निकाल सकते, कहीं से भी निकाल सकते, मतलब नीचे से ऊपर पानी लाने का टिल्लू काम करेगा। मोटर लगा दीजिए आप, अच्छी बात, इस तरीके से यहाँ पे बारिश का पानी पूरा होता रहेगा। अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की, ये देख, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए मैंने एक जीना दिया है, ये दुकानों पे जाने के लिए जीना दिया इस तरीके, इस जीने का साइज मैंने रखा है 6 फीट, बीचों बीच मैंने सेंटर में जीना दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको मैंने छज्जा 3 फीट का दिया है इस तरीके से, देख सकते हैं। सारी दुकानों पे आप जा सकते हैं, इस दुकान पे, इस दुकान पे, इस दुकान पे, सारी दुकानों पे आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और इन दुकानों का मैंने साइज दिया है 8x20, 8x20, सारी दुकानें 8x20 की हैं, ये भी 8x20 की, ये भी 8x20 की, ये भी 8x20 की। और यहाँ पे मैंने ये 6 फीट यहाँ पे स्पेस छोड़ा है 6x20 का, तो यहाँ पे मैंने जीना बना दिया है,
और जीने की सीढ़ियां मैंने बहुत ही बेहतरीन बनाई यहाँ पे, 3x2 की। अब आप सोच रहे हैं 3x2 की तो बहुत, आप भागते दौड़ते कैसे भी ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से 3 है और इस तरीके से 2 है। खूब पैर रखिए, कुछ भी साइकिल वाइकिल सब कुछ ले जा सकते हैं, अगर ऊपर आप जिन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको कई रूम से दिखने लगेंगे यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे ये रूम्स कैसे हैं, तो ये मैंने किराए के लिए पूरा, मतलब पूरा ये मेरा किराए पे बेस्ड ये मकान बनाया मैंने। भाई ने मेरे कहा था कि किराए के लिए मुझे उठाना है तो बस उसी हिसाब से बनाना है, तो मैंने उसी हिसाब से पूरा डिजाइन किया है, देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी अंदर की जानकारी देना चाहता हूँ, इसमें रूम कितने बाई कितने का सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे ध्यान से देखना होगा आपको। अब आप जीने से ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद आपको सबसे पहले इस रूम में जाने के लिए 4 फीट का गेट मिलेगा। पहले ये समझ लो आप 3 घर हैं, 1 2 3 तीन घर हैं ये समझ लीजिए आप, 10x20x20 के 3 घर हैं ये समझ लीजिए आप। ये 11x10 का है और बाकी जो दोनों 10x20 के हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे तुरंत 4 फीट का गेट मिलेगा। गेट से अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, ये देख सकते हैं 5 फीट का यहाँ पे स्पेस मिलेगा, 5x10 का देख सकते हैं इस तरीके से लंबा स्पेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको एक बेडरूम मिल जाएगा 10x10 का, बहुत ही प्यारा सा 10x10 का बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगी 4x6 की, ये 4x6 की आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगी। उसके बगल में आपको एक किचन मिल जाएगी बहुत ही प्यारी सी 6x6 की, इसमें मैंने खिड़की एक लगाई है इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे रूम में आपको आना है। दूसरे आने के बाद आपको यहाँ पे 5x10 का यहाँ पे स्पेस मिलेगा, इसमें 5x10 का स्पेस मिलेगा। और फिर आपको लास्ट में 10x10 का बेडरूम मिल जाएगा बहुत ही प्यारा सा। आपको यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगी कम्बाइंड 4x5 की, और यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगी 5x5 की किचन मिल जाएगी। लास्ट में आपको एक और रूम मिलेगा यहाँ पे भी 4 फीट का गेट लगा हुआ है। गेट से अंदर जाने के बाद आपको 5x10 का यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। स्पेस मिलने के बाद लास्ट में आपको एक बेडरूम मिल जाएगा 10x10 का। उसके बाद आपको यहाँ पे 4x5 का एक लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगी। उसके बगल में आपको एक किचन मिल जाएगी बहुत ही प्यारी सी 5x5 की। यहाँ पे देख सकते हैं रूम में मैंने यहाँ पे 2x3 की खिड़की लगी हुई है ये, और ये आपका 3 फीट का गेट लगा है सारे में, इसमें भी सारी डिजाइनिंग सेम है। यहाँ पे मैं सारी किचन में यहाँ पे देख सकते हैं खिड़की का यूज किया है, और सब गेटों में साइज का, सब गेटों का साइज है 4 फीट, इसका भी 4 फीट, इसका भी 4 फीट, इसका भी 4 फीट, सबका साइज है 4x4 फीट देख सकते हैं। अब आप सोचिए अगर आप किराए पर उठाना चाहते हैं, लास्ट में मैंने सब घरों में 2x2 का जंगला दिया हुआ है, देख 2x2 ऊपर से अच्छी खासी रोशनी जाती रहे घर में। ये आपकी अटिया है पूरी कंप्लीटेड बनी हुई, और लास्ट में मैंने एक यहाँ पे रूम बना दिया है 10x10 का। अगर आपको ऊपर बैठना चाहता है तो आप खटिया अटिया ऊपर रख सकते हैं, कुर्सी वर्सी घर वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे अपनी वो रख सकते, टंकी रख सकते हैं, इस पर भी टंकी रख सकते हैं, इस पर भी टंकी रख सकते, पानी का वाला सिस्टम इस तरीके से मैंने ये डिजाइनिंग की है पूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वॉच के लिए मैंने यहाँ पे टीन का यूज किया है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टीन का यूज किया है बहुत ही अच्छी लगी। और इसकी हाइट आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक 13 फीट है, काफ़ी पर्याप्त है यहाँ हाइट 13 फीट हाइट है, काफ़ी पर्याप्त हाइट है देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग मैंने की है, उम्मीद करता हूँ मेरा प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्लान पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। यहाँ पे कार पार्क भी कर सकते हैं, सब कुछ मैंने दिया है इसमें, बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनिंग की है मैंने। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।